हाँ ये याद बिठाओ, ये विधान लाल तो अलग चीज है, ये था तो जब इधर उधर फिर देख रहे हैं साफ सुथरा जो भी है एंड एक्शन आलू थी आपने बोला सुरेश का भी हो गया। तो सीन ये है कि अभी जैसे कि आप सबको पता है कि आलोक ही है इन सब के पीछे, तो आलोक ने नीमा को मारने की भी कोशिश की थी, नीमा को जान से मार दिया था और फिर वो सब कुछ हो गया, पर नीमा नहीं मर सकती तो नीमा मरी नहीं और अभी आलोक से सब सच्चाई निकालने के लिए उसके मुंह से, क्योंकि हमें सबूत चाहिए, तो ये सब प्लान हमने किया है सब मिलके, मैं तुलिका आई और सुरेश, हम चारों मिलके ये प्लान कर रहे हैं ताकि आलोक डरे नीमा से, मतलब भूत समझ के, और सब सच्चाई बोल दे। एक्शन नहीं जी, सुरेश कुछ बोलना मत क्योंकि नीमा को आपको निकालना है। नहीं, थप्पड़। एक्चुअली बात ये है कि मैंने ये सोचा था कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए पर मैं कभी भूत का नहीं करूँगी, हॉरर कभी भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे जेन्युइनली भूत से बहुत डर लगता है। मैं अकेले नहीं सो सकती, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, वो सब फोबिया है मुझे। तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं हॉरर कभी नहीं करूँगी एंड दिस इज़ माई फर्स्ट शो जिसमें ही मुझे हॉरर करना पड़ रहा है, तो इट्स लाइक नेवर से नेवर वाला सिचुएशन हो गया मेरे साथ। तो जिस दिन मैंने किया था, पहली बार लुक टेस्ट हुआ था, आई वॉज़ अबाउट टू क्राई एक्चुअली, मुझे बहुत ऐसे रोने जैसा आ रहा था क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था और ख़ुद को ऐसे देख के मैं और ज़्यादा डर रही थी, बट anyway, करना पड़ा क्योंकि स्क्रिप्ट के आगे कुछ नहीं है, तो किया। और जब मैं लुक टेस्ट करके सीन वगैरह करके आ रही थी, तो मेरे रूम के सामने ही मिरर है, तो मैं मिरर को पीछे करके बैक करके पूरा दिन बैठी हुई थी बिकॉज आई कुड नॉट सी माई फेस मिरर में, सो ऐसा सिचुएशन हुआ है, लाइक इट वॉज वेरी स्कैरी। I don't know कम हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि मैं फिर भी शायद मैं हॉरर मूवी कभी देख नहीं पाऊँगी, पर हाँ कि एक मुझे ये समझ में आया कि हाँ भाई ये मेकअप है जो ऐसे बेबी ऑयल से लगाने में रिमूव हो जाता है, बट देन विल हैव टू सी इन फ्यूचर। बस मैं अभी कभी चलिए और सीधा वो निकालते हैं, फूंक मारती है। नहीं मैम सीधा बस मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि जैसे हमारे शो को अभी एक साल ऑलमोस्ट हो गया है, अगस्त को एक साल होने वाला है हमारे शो को, एंड आई एम रियली ग्लैड कि मेरा पहला शो जो है वो एक साल कंप्लीट करने वाला है, एंड बस यही चाहेंगे कि ऐसे प्यार देते रहे इस सीरियल में, आगे आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट मैं भगवान की मर्ज़ी से अगर ऐसा कुछ अच्छा कर पाऊँ तो यही प्यार मिलता रहे, बस यही चाहूँगी मैं। Yeah!
पूरे एक साल ही मेरी पूरी मेमोरी रही है, पहला दिन शूट का लेके आज तक जितने भी हमने शूट किए, एवरीथिंग सब एक मेमोरी है। मतलब अभी ऐसा लग गया कर रहे पर एक दो साल जाने के बाद ये सब हम याद करेंगे, इस पे हंसेंगे, इसके बारे में यू नो बातें करेंगे। पर हाँ, जो भी सीन्स हुए थे यू नो शुरू के सारे सीन्स भी, मेरा सिक्किम से आना यहाँ पे, फिर सुरेश के साथ जो प्यार वाले सीन्स होते थे, डिवोर्स वाला सीन हुआ था, वो सारी चीज़ें, फिर उसके बाद जो विराट जी को मैंने कन्फेस किया था मेरा प्यार और उनके साथ वो नोकझोंक, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यादगार एक मेमोरी है। और मतलब अभी और भी मेमोरीज बहुत क्रिएट करना है आगे भी। और ये देखा पेंटिंग इतनी चालू हो गई और जितने जिला पेंटिंग माजी क्या हुआ है? प्रेत आत्मा बहुत ताकतवर है, अपनी ताकत दिखा रही है। कर गए प्रति एक सेकंड विराट जी को डेफिनेटली मैं बहुत मिस कर रही हूँ। विराट एज इन द कैरेक्टर, ऑल्सो इकबाल जी, मैं दोनों को ही बहुत मिस करती हूँ क्योंकि इट वॉज़ वेरी फन शूटिंग विद हिम, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और एक्चुअली द थिंग इज़ इकबाल जी इज़ वेरी यू नो रियल में, अगर कोई मतलब वैसे हम उनको बाहर मिलेंगे तो ही इज़ वेरी सीरियस, टॉक्स लेस, वैसे वाले इंसान है, पर सेट पे वो जैसे रहते थे हमको कभी नहीं लगा दैट ही इज़ एक्चुअली अ सीरियस पर्सन। वो इतना फ्रैंक, खासकर मेरे साथ, मोना जी के साथ वो इतनी मस्ती करते थे दैट आई रियली रियली मिस हिज वाइब। मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 हमारा सीरियल देखते रहिए नीमा, प्लीज़ प्यार देते रहिएगा हमें जैसे आप लोग पहले भी प्यार देते रहे, और हम भी कोशिश करते रहेंगे कि नया कुछ लेके आए आप लोगों के सामने और आप लोगों का मन भी बना रहे हमारे साथ।